विजयदशमी पर श्री राम यात्रा में शामिल होने आए बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, कट्टर इस्लामिक लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो इससे आतंकवाद ही बनेगा, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। इसके अलावा वेदांती ने कांग्रेस और सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। ये योजना तो भारत सरकार बनाएगी कि अगली योजना क्या होगी, लेकिन हम पूर्ण विश्वास है कि पीओके भारत का अंग है, भारत का रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा हो जाएगा। बताया मैंने ना, यहाँ की स्थापना हो जाएगी, शिवाजी अध्यक्ष प्रारंभ होगी।